गाइडलाइंस भी आपके समझ में आ गए, लेकिन कुछ जिम्मेदार मस्जिदों के दो, एक सदर रहता है, एक सेक्रेटरी रहता है या नायब सदर रहता है, हर मस्जिद से दो सीरत कमेटी के 15-20 लोग, एक 10-15 कारपोरेटर्स, इतने हम जाके झंडा चढ़ाएंगे। यस जन है तो अवन जरा केड़ सर आमेल ताव ಏನು ಹೇಳೋದೇಡ ಸರ್ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ जाएंगे झंडा चढ़ाएंगे वहाँ दो चार बातें करेंगे, कम से कम 100 मीटर चलेंगे हम लोग, फिर हमारे गाड़ी में बैठ के दरगाह पे जाएंगे, वहाँ इंडोर बन जाता है, इंडोर में हम लोग जितना करना है उतना करके ख़त्म करेंगे, मिनिमम इतना तो आपको हमको कोऑपरेट करो सर। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न पर लगी पाबंदी। सीरत कमेटी बेलगाम की जानिब से मुसलसल कोशिश की गई कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर जुलूस की परमिशन ली जाए, लेकिन जुलूस के लिए परमिशन नहीं दी गई। पुलिस डिपार्टमेंट ने साफ कह दिया कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा गाइडलाइंस के खिलाफ कोई सरगर्मी नहीं होगी, जुलूस नहीं होगा, रास्तों पर लाइटिंग नहीं की जाएगी, 100 से ज़ायद लोग एक जगह पर जमा नहीं होंगे। ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಪೂರ್ವಕ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪಿಂಪಲ್ ಕಟ್ಟದಾಗ 15-20 ಜನ ಸೇರಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಟ್ ಹಂಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಅವಕಾಶ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 100 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಸೇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗೇನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ದರ್ಗಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮಸೀದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳೈತಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಏನು ಸಿರ್ಫ್ ಮಸಾಜಿದ್ ಮೇ ತಕರೀಬಾತ್ ಕಿ ಇಜಾಜತ್ ದಿ ಗಯಿ ಹೈ। वाजा रहे कि रियासत भर में इमसाल जुलूस की परमिशन नहीं दी गई है और सरकारी गाइडलाइंस पर अमल करने की ताकीद की गई है।